कीजिए, मुझे ही ले चलिए। ये पकड़ेगा ना अभी। बहुत बहुत शुक्रिया यमराज जी। क्या हाल बने बेटा? पता है यमराज जी दूसरे के पास। सच्ची माँ? हाँ बेटा। थैंक यू यमराज जी। थैंक यू यमराज जी। बेटा यमराज जी कह रहे हैं सिर्फ मुझे थैंक यू मत बोलो, जाके मंदिर में जो भगवान जी है ना उन्हें जाके थैंक यू बोलो। ठीक है जा। मैं अभी जाके थैंक यू बोलो। क्या देख रही हो? झटका लगा, काफी जोर से लगा शायद। अब पता चला तुम्हारी बहन की जान मेरे हाथ में है, मैं उसे जो चाहे करवा सकती हूँ, इसलिए मेरे खिलाफ कोई भी चाल चलने से पहले 10 बार सोच ले। सर दुख रहा है, एक काम कर, ये तेल लो, अच्छे से चमपे करना, सर दर्द चला जाएगा। लो लो, ये तो नमूना था, सोच लो अगर तुमने कोई भी गलती की तो मैं तुम्हारी चीची माँ के साथ क्या कर सकती। चलो जाओ। थैंक यू यमराज जी। ओके अभी लेटना और पट्टी रखना, बोलेंगे एक्शन। पट्टी ऊपर से रखो। तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ के बहुत दूर जा रही है। कौन जा रहा माँ? भगवान के पास, आसमान में, जहां से मैं तुम्हें देखूंगी, लेकिन तुम मुझे नहीं देख पाओगी। नहीं बेटा, अब डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। देखो यमराज जी भी आ गए। नमस्ते यमराज जी, बस 2 मिनट अपनी नन्ही परी से बात कर लूं, उसे गले लगा लूं, उसके बाद आप मुझे ले जा सकते हैं। बेटा मुझे जाना ही होगा, अब यमराज जी आ ही गए,
वो खाली हाथ कभी नहीं जाते। नहीं, फिर मैं चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी, पर मैं आपके साथ आऊंगी। जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा, ऐसे हो सकता है? ठीक है बेटा, यमराज जी कह रहे हैं कि अगर उनके साथ दूसरा कोई चला जाए तो वो तुम्हारी। मैं जाऊंगी यमराज जी के साथ, आप मत जाओ प्लीज, आप मत जाओ मां, मैं जाऊंगी। तुम जाओगी यमराज जी? आएगी तो चलेगा आपको? हाँ बोल रहे हैं। मैं जाऊंगी यमराज जी। आप चलो एक काम करो बेटा, तुम्हें यमराज जी के साथ जाना है ना, वहां पे एक चाकू पड़ा है, उससे अपनी कलाई काट लो, यमराज जी तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। नहीं नहीं जीजी माँ, आप ऐसा नहीं कर सकती, छोड़िए। चाकू उठा के ये आगे बड़ी काटने के लिए हाथ तो उसने प्रेस किया और ये नहीं दिया। छोड़ो मुझे, मुझे मां को बचाओ। दोनों बहनों का छोड़ो जीजी माँ, नहीं नियति जीजी माँ, छोड़ो बिट्टू हट जाना चाहिए, मुझे मां को बचाना है। स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, एक मिनट झगड़ा मत करो प्लीज। यमराज जी कुछ कह रहे हैं क्या? यमराज जी सच? मुझे, मेरे को मां को बचाना है, नहीं तो वो ले जाएंगे उन्हें। यमराज जी ये काम कीजिए, मुझे ही ले चलिए। नहीं नहीं मां, आप यहीं रहो, मैं ही जाऊंगी। मुझे जाना है, छोड़ो मुझे, मुझे नस काटनी है। एक मिनट, एक मिनट, क्या यमराज जी आप ये पकड़ेगा ना अभी? बहुत बहुत शुक्रिया यमराज जी। क्या फालगुनी बेटा, पता है यमराज जी क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि वो हम दोनों का प्यार देख के बहुत खुश हो गए और इसीलिए उन्होंने तय किया है कि हम दोनों में से किसी को नहीं लेके जाएंगे, हम दोनों यही रहेंगे एक साथ एक दूसरे के पास। सच्ची माँ? हाँ बेटा, थैंक यू यमराज जी। थैंक यू यमराज जी। बेटा यमराज जी कह रहे हैं सिर्फ मुझे थैंक यू मत बोलो, जाके मंदिर में जो भगवान जी है ना उन्हें जाके थैंक यू बोलो। ठीक है जा, मैं अभी जाके थैंक यू बोलो। छक्का लगा, काफी जोर से लगा। मैं जाऊंगी, क्या हो रहा है? तो उत्तरा देवी ये बच्चे के दिमाग के साथ खेल रही है, मेरे दिमाग बच्चों के साथ। काम ही होता ना रोना। फाल्गुनी थोड़ा पीछे जाओ। Thank you.
फोन कट हो गया, आ जाओ थोड़ा सा एक दो स्टेप आगे। कट सर, इतना बाजू में। जैन जी थोड़ा राइट आओ। हाँ अक्षय, रेंज लेने से लो। नहीं बिल्कुल आगे। सुयश सर पढ़ लीजिए थोड़ा टाइम। ये बसेर के पेपर आज तक तुमने किसी को दिखाए क्यों नहीं? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती मेरे लिए। याद करना है कि पैसा, जमीन, जायदाद, इन सब की वजह से बड़े बड़े घर भाई भाई की रिश्तेदार पैदा होते हैं। ये दो बच्चे मेरी हम दो आपके जानती है। मैं दोनों में से किससे जब इस बस के बारे में मुझे पता चला, सबसे पहले तो मुझे खुशी।
करते मैं फिर लग इतना नहीं रो रही ना कि वो बैठाने वाला नहीं लगा। कट हाँ एक और मैम रोते थैंक यू बोल के निकल जाओ फाल्गुनी। फाल्गुनी तुम
ऑफिस का काम खत्म करके जल्दी वापस आना। मौसम था और हमने सोचा हम प्लेन प्लेन खेलेंगे। मैंने बोर्ड का आइडिया दिया था लेकिन इन्होंने अपने दिमाग से प्लेन बना लिया। प्लेन बना के इन्होंने मेरे पैरों में डाला। जैसे ही मैंने उठाया तो देखा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा प्लेन है। मम्मी को शक हो गया कि इसमें कुछ है। मम्मी ने मुझसे प्लेन वापस लिया। मम्मी ने वापस लेना चाहा, मैंने बोला एक मिनट मम्मी, मैंने वापस प्लेन लिया। जब मैंने पढ़ा तो ऐसा शॉक लगा। आगे तुम बताओ, आप ही तो कर रहे हो सब कुछ, मैं क्या कर रही हूँ, आप बताओ। नहीं, मैंने तो बताया ना, मुझे शौक लगा। एक्चुअली वो प्रॉपर्टी के पेपर्स होते हैं जो मुझे माँ की अलमीरा से मिलते हैं और मैं उनका प्लेन बना रही थी कि मैं तो बच्ची हूँ तो इनको भी शौक है और सारे परिवार वाले शौक हो जाते हैं और उत्तरा देवी शौक है कि उत्तरा देवी इसलिए शौक है क्योंकि उन्होंने छुपा के रखे थे ये पेपर्स। अरे इधर, ओ अरे बताओ तो सही। हाँ तो ऐसे तो वो फिर नाटक करती है कि मैंने क्यों छुपाया, क्यों क्योंकि वो नहीं चाहती कि दोनों बच्चों में लड़ाइयाँ हो जाएं। बहुत ही मास्टर है इस चीज़ में। और ये जो है जो ये रामचंद्र जो बोलते नहीं, मैं अपने भाई के नाम सारी प्रॉपर्टी कर दूंगा। ऑफ कोर्स बड़े जो होते हैं ना फैमिली में वो हमेशा ऐसे ही करते हैं। आपकी माँ तो नहीं ऐसा सोच रही, बड़ी होके भी आप जब ज्यादा सोच रहे हो। जो मैंने मेल्स की बात की, फीमेल्स की बात ही नहीं की, चौप हो गई तुम्हारी। मेल्स जो बड़े होते हैं फैमिली में हमेशा सोचते हैं कि भाई हमारे जो छोटे हैं, मेरे भाई बहन जो हैं, उनको सब कुछ मिलना चाहिए, मेरे को कोई बात नहीं। मैंने तो फर्ज अदा किया है भाई। वो तो विधान अच्छा है, अगर विधान निकलता है ना वो, देखो विधान तो पता चलता, जमीन पे आ जाते। विधान गया हुआ ऑफिस में कोई काम है। और मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, ये किसी को नहीं पता है, मेरे 4-5 प्लॉट जयपुर से 100 किलोमीटर दूर डाल रखे हैं। इसलिए मैं बिलीव करता हूँ जितना दे दो दुगना वापस मिल जाएगा मेरे को, 4 गुना वापस मिल रहा है। इसमें से ऑयल निकलने वाला है ना, पेट्रोल पंप खोलने वाला हूँ वहाँ पे मैं। हाँ मैंने लॉयर बुलाया, मगर लीगली सब कुछ कर लिया, इसमें क्या होगा अगर इन्होंने साइड में वो 4-5 प्लॉट है ना रखे हुए। 4 प्लॉट जिनको मैंने बताया ना, किसी को नहीं पता, इसलिए कुछ रावत वाला तुम ले लो, कोई बात नहीं, दे दे यार, इससे ज्यादा बड़ा बड़े बड़े प्लॉट है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पेट्रोल पंप खोलूंगा आराम से। और फिर मैंने ये भी बोला ना घर में, मैंने बोला कि अगर उसका सब कुछ उसके नाम हो जाएगा तो वो हम सबका भी तो है, मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो 4 प्लॉट तो है मेरे। वो जो उत्तरा देवी है चलाकों वासी, वो क्या करती है, एक सेकंड, ये अपना हाथ काट रही थी सुबह मेरे को काटने के लिए दौड़ रही थी। क्या काट रही, क्या मतलब, क्या हो, चल क्या रहा है, तुम्हें भूख लग रही है क्या? देखो कटा भी है थोड़ा सा, कट गया, मैं कुछ आधे सीरियस एक्टिंग कर ली मैंने। एक्चुअली जो मेरी सासू माँ है, जो अब मेरे लिए सब कुछ है, मेरी माँ है, तो वो बोलती है कि मुझे यमराज लेने आए हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर मेरी जगह कोई और जा सकता है तो वो जा सकता है। तो मैं कहती हूँ हाँ मैं जाऊँगी आपकी जगह पे, और ऐसे होता है। मैं आपके रग रग से वाकिफ हूँ। तुम तो मेरी माँ के रग रग से वाकिफ थी, मेरी कब से रग रग से वाकिफ हुई तुम? हाँ तो ऐसा होता है। और फिर वो इसलिए ये प्लान करती है क्योंकि वो नियति को सबक सिखाना चाहती है कि, और बताना चाहती है कि तुम्हारी जीजी माँ की जो जिंदगी है वो मेरे हाथ में, क्योंकि वो मेरी जान दे भी सकती है। बाय।